उनकी प्रैक्टिस है, उनकी हार्डवर्क है जो वो करते हैं, इतना हार्डवर्क, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, एंड फॉर श्योर इस बारी वो होप है हम सबकी कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। मेरे को पूरी पूरी होप है इंडिया वर्ल्ड कप। अच्छा, हमारी इतनी स्ट्रांग टीम है, किसी के पास इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है। बाकी दूसरा होता है जो इंडिया की जो सारी फैमिलीज हैं वो सारी एक होप होके, सबकी होप है और सबकी प्रेयर्स उनके साथ है। बॉलिंग लाइन तो बहुत बेहतरीन है, जो मोहम्मद शमी है, सिराज है, बुमराह है और कुलदीप यादव है, जडेजा है, ये बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। और इंडिया बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही थी, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग सब में अच्छा कर रही थी। जी जी बिल्कुल, अभी जिस तरह की टीम हमारी खेल रही है और इतना अच्छा सब प्लेयर खेल रहे हैं, तो जैसे अभी हम लोग नंबर वन पे हैं वैसे हमेशा रहेंगे। हमारे जो कैप्टन है वो कैप्टन ही लीडर है, रोहित शर्मा। जी जी, इस टाइम जो इतना अच्छा कर रहे हैं वो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये कौन सा मॉल है? ये कौन सा मॉल है? बहुत बढ़िया मॉल है। मेरा नाम क्या मॉल का? मॉल का पवेलियन। पवेलियन, तो दोस्तों मैं पवेलियन मॉल के पास सामने में खड़ा हूं, जो लुधियाना फाउंटेन चौक के पास है। दोस्तों मैं आज यहाँ दिखाता हूँ कि जो कल नीदरलैंड और इंडिया का जो मैच हुआ है, बड़ी भारी रनों से जीत हुई है इंडिया की, इस पर हमारे पब्लिक का क्या राय है? तो दोस्तों आइए देर न करते हुए यहाँ के युवाओं से मैं बातचीत करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैडम आपका गुड नेम? दीपांशी। दीपांशी जी, क्या आप पढ़ती हैं? अच्छा ये बताएं कि कल जो इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? इंडिया ने काफी अच्छा स्कोर सेट किया था नीदरलैंड के लिए, एंड विन भी काफी अच्छी थी, 160 रन से इंडिया विन एंड फोर सनराइज। अच्छा आपको सबसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा? विराट कोहली एंड शुभमन गिल। विराट कोहली पूरे वर्ल्ड में। अच्छा ये बताएं कि इंडिया जो इतना बड़ा परफॉर्मेंस कर रही है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, आप बताएं पहले। उनकी प्रैक्टिस है, उनकी हार्डवर्क है जो वो करते हैं, इतना हार्डवर्क, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, एंड फॉर श्योर इस बारी वो होप है हम सबकी कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो गया, तो ये बताएं क्या वो भी कभी सुधर सकता क्या? हाँ अगर सुधरें, अगर वो चाहें, अगर थोड़ा हार्डवर्क करें और उनके रिलेशन अच्छे हों बाकी कंट्रीज से भी, तो आई थिंक वो भी काफ़ी अच्छी कंट्री बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गुड नेम? तनिष्का। तनिष्का जी पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में? नाइन्थ में। अच्छा अच्छा ये बताएं कि कल जो इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? इंडिया ने बहुत अच्छा खेला था, मतलब जितने भी मैचेस हुए हैं सब में इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है। अच्छा। तो अभी कल भी बहुत अच्छा खेला था, आगे वाले मैचेस में भी अच्छा खेला। अच्छा ये बताएं कि अगर इंडिया जब मैच वर्ल्ड कप, क्या आपको लग रहा है कि इंडिया लाएगी? हाँ, मेरे को पूरी पूरी होप है इंडिया वर्ल्ड। अच्छा ये बताएं अगर इंडिया वर्ल्ड कप लाती है तो आप कैसे खुशी जाहिर करेंगी अपनी? अगर इंडिया वर्ल्ड कप लाएगी तो पूरी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होएगा, बहुत आगे प्रोग्रेस होएगी, बहुत आगे। तो आप क्या करेंगी उस दिन, अगर जिस दिन मैं हमारे यहाँ वर्ल्ड कप? बहुत खुश होंगे, खुश होंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय वगैरह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गुड नेम? थोड़ा तेज बोलिए। सबीन। छवि। छवि जी ये बताएं जो कल इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या देखा नहीं तो मैं को करना। थैंक यू मैडम, प्लीज एक मिनट आप लोग खड़े रहे। देखिए दोस्तों कितनी संख्या में लोग हैं, सबसे मैंने बारी बारी से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए कुछ पढ़ी लिखी बच्चियाँ भी हैं, ये बच्ची हैं, इन्होंने तो बोला है। आप प्लीज एक मिनट के लिए, आपका शुभ नेम? वर्ल्ड कप हमारा है और हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कैसे लग रहा है कि वर्ल्ड कप हमारा ही है, क्योंकि बाकी तो टीम, हमारी इतनी स्ट्रांग टीम है, किसी के पास इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है। बाकी दूसरा होता है जो इंडिया की जो सारी फैमिलीज हैं वो सारी एक होप होके, सबकी होप है और सबकी प्रेयर्स उनके साथ है, तो अकेले नहीं है, पूरा इंडिया उनके साथ है। अच्छा ये बताएं कि जो हम इंडियन दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इस समय काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं हर फील्ड में, यहाँ तक कि जो हमारे ऊपर 200 साल शासन करके गए उनके हम प्रधानमंत्री भी जाके बन गए, तो इसके पीछे कारण क्या, हमारी मेहनत है या और कोई बात है? सबसे बड़ा कारण है मोदी जी, वो हमें सबको एक यूनाइट करके रखते हैं, उन्होंने हम सबको एक इकट्ठा एकजुट करके रखा हुआ है। अच्छा ये बताएं तो जो एंटी पार्टियां जैसे राहुल गांधी साहब हैं, केजरीवाल जी हैं, बहुत सारे नेता हमारे देश के हैं, वो लोग तो कहते हैं कि मोदी जब से आया तब से यहाँ पर तो बेरोजगारी और बहुत ज़्यादा भूखमरी फैल गई है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अंदर से सबको पता है कि मोदी ने क्या किया है कंट्री के लिए,
और हमारा कंट्री जब तक मोदी सर है तब तक हमारे कंट्री प्रोग्रेस ही करेगा। तो आपको लग रहा है कि अब हर फील्ड में हम नंबर वन पर रहेंगे? बिल्कुल, हमारा कंट्री आगे है, आगे रहेगा और हमेशा ही हम आगे जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि एजुकेशन के लिए हम ऐसा, क्योंकि पहला तो एजुकेशन है, जो हमारे बच्चे एजुकेटेड होंगे तभी तो बाहर या कहीं भी अपने देश में काम करेंगे, तो एजुकेशन के लिए आप क्या राय देंगे कि जो कि अब से बेहतर बनाया जाए? एजुकेशन के लिए मैं कहूँगी हमारे यहाँ कंट्री में थोड़ी और प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो हमारी कंट्री में फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो सारी फैसिलिटी अगर इंडिया में दी जाएंगी तो हमारी जो यूथ है वो इंडिया में ही रहेगी और हमारा कंट्री और अच्छी ग्रो करेगा। अच्छा ये बताइए बेटियों के लिए, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ हमारे मोदी साहब ने जो एक नारा दिया है, तो क्या आपको लग रहा है कि बेटियों को अगर एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर दिया जाए तो इस पर आपकी क्या राय है? आइए आप बेटी भी आती है, एजुकेशन फ्री कर दी तो वो जितना अभी कर रही है उससे भी अच्छा बेटर कर पाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारी बच्चियाँ हमारी ऐसी हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। एजुकेशन सबके लिए है तो सबको इक्वल एजुकेशन मिलेगी ना तो वो प्रोग्रेस होगा, सिर्फ फ्री करने से कुछ नहीं है। अब फ्री में जो चीज़ मिलती है उससे हम अट्रैक्ट होते हैं बट उसका बेनिफिट हमें नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं है। हम कुछ फ्री मिल रही है हम ले लेते हैं बट हमें नहीं पता कि उसमें है नहीं है। अच्छा प्रॉपर उनको बताना चाहिए कि एजुकेशन का क्या पर्पस है और अब क्या आगे अचीव कर सकते हैं, एजुकेशन से उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी। अच्छा ये बताएं कि जैसे मोदी साहब ने कहा है कि 5 साल अब और जो आगे आने वाला टाइम है उसमें भी राशन फ्री है, तो क्या आपको लग रहा है कि राशन फ्री करने से बेनिफिट मिलेगा या एजुकेशन हॉस्पिटल या और भी जो दो चार? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सही गाइड करना, अगर सही गाइडेंस होगी तो सब कुछ अच्छा होगा और कंट्री हमेशा नंबर वन रहेगी। आपको लग रहा है कि अगर ये जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं सबको फ्री दी जा रही हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग आलसी हो जाएंगे? आप पढ़ी लिखी लड़की हैं इस पर फॉर श्योर लोग आलसी होंगे, उनको हैबिट हो जाएगी इस चीज़ की। अच्छा। बट आई गेस जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प हमें ज़्यादा करनी चाहिए, उनको हमें आगे लेके आना चाहिए बिकॉज वो कर सकते हैं बट उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, तो अगेन बात गाइडेंस की है। अच्छा आपको लग रहा है कि जो जरूरतमंद हैं उनको मतलब ज्यादा हमको देना चाहिए ना कि सबको देना चाहिए? देना किसी को ज्यादा कम नहीं चाहिए। अच्छा, मैं कोई बात दोबारा बोलूंगी, गाइडेंस प्रॉपर मिले और अगर आगे बताएंगे ना कि ऐसी चीज है ये चीज है तो आई गेस वो बेटर स्मूथ चलेगा सर। अच्छा ये बताएं आप कि आप एक खुद बेटी हैं और होनहार बेटी हैं, हमको लगता है कुछ बनेंगे भी देश के लिए, तो ये बताएं कि आप एजुकेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई गेस जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमें अब्रॉड मिलती हैं अगर वो यहाँ पे हो और अच्छे से हमें उसकी तरफ गाइड किया जाए एंड एक पूरी क्लैरिटी ओपननेस होती है सोसाइटी में वो हो तो एजुकेशन अच्छी हो। अच्छा ये बताएं कि अगर एजुकेशन बच्चियों को अच्छी दी जाती है तो क्या आपको लग रहा है कि जो आज बच्चियाँ कर रही हैं, क्योंकि हमारे देश की बच्चियाँ हर फील्ड में आगे हैं, लड़कों से तो आगे हैं, तो आपको लग रहा है कि और भी कुछ डेवलप ज़्यादा करेंगे? हाँ फॉर श्योर, अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो अच्छा प्रोग्रेस होगा, वो हमें दिखेगा जैसे अब हमें दिख रहा है, अब लोग मेहनत करते हैं तो हमें दिखता है उसमें। अच्छा अच्छा ये बताइए मोदी जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी तो खुद मोदी जी हैं, उन्होंने इतना किया, उनको तो बस ये है कि कीप इट अप। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या वाह। आपका गुड नेम? एमडी जफर। जफर जी ये बताएं कि जो इंडिया और नीदरलैंड का कल मैच हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? उस पर मेरी राय यही है कि इंडिया जो नौवीं आज कल जो मैच हुई थी नीदरलैंड से वो नौवीं जीत है और 15 तारीख को न्यूजीलैंड से मैच है, वो चाहते हैं कि वो भी जीते और फाइनल भी इंडिया इस बार वर्ल्ड कप लेकर आए। अच्छा आप ये बताएं कि 9 मैच लगातार इंडिया जीत गई है, इसके पीछे विशेष कारण ऐसा क्या है कि 9 मैच जीत गई? इसका बॉलिंग लेंथ बहुत बेहतरीन है, जो मोहम्मद शमी है, सिराज है, बुमराह है और कुलदीप यादव है, जडेजा है, ये बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और बैट्समैन रोहित शर्मा जो अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए और काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, विराट कोहली हो गया, सुरेश अय्यर है फॉर्म में, केएल राहुल है, सब अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, इसीलिए ये नतीजा हम लोग को मिल रहा है कि आज हम लोग 9 में से 9 जीते हुए हैं। अच्छा ये बताएं कि जब इंडिया अगर वर्ल्ड कप लेके आती है तो उस समय आप कैसे खुशी का अपना इजहार करेंगे? खुशी को वो तो बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी मिलेगी, हम लोग तो चाहते हैं इस बार वर्ल्ड कप आए, हम लोग को काफ़ी 2011 से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोग का वर्ल्ड कप आए हमें हम लोग के पास। बहुत बहुत धन्यवाद बरदा, थैंक यू। आपका गुड नेम डियर? अमन। अमन मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम पंजाब के लुधियाना। लुधियाना के तो मिश्रा होते ही नहीं है।
अरे मतलब बिलोंग तो यूपी से करता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा मिश्रा साहब ये बताएं कि जो कल नीदरलैंड और इंडिया का मैच हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? जीतना ही इंडिया ने था। बाप तो बाप होता है, बेटा बेटा होता है। क्या आपको लग रहा है इंडिया बाप है? और क्या, सबका बाप है। नहीं पहले भी तो इंडिया तो हार भी तो चुकी कई मैच, अब की नहीं हार रही है, पीछे बहुत सारे मैच हारे रही है इंडिया वालों ने। बाप से कई बार गलती हो जाती है ना। अच्छा बेटा सिखाता है कैसे जीतना है। अच्छा। इसलिए फिर बाप सीख के जीता कि नहीं जीता। तो मतलब ये है कि अब आप समझ रहे हैं कि वर्ल्ड का बाप इंडिया है। और क्या, इंडिया का ही है, ऑब्वियस है, इसमें तो जीतना ही इंडिया ने है। अच्छा ये बताए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पसंदीदा आपका कौन सा खिलाड़ी, पूरी दुनिया के खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, पूरे वर्ल्ड में जितने खिलाड़ी सब में रोहित शर्मा पसंद है। रोहित शर्मा के अंदर आप क्या ऐसा देखे जो रोहित शर्मा को आप इतना पसंद करते हैं? उसकी बैटिंग करने का तरीका अच्छा, फुल शॉट उसका। और वर्ल्ड कप अगर आएगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैच देखूंगा। खुशियां कैसे मनाएंगे, क्या खुशी मनाने में क्या करेंगे आप? पटाखे फोड़ेंगे। पटाखे फोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा साहब। गुड नेम आपका डियर? गीताश मित्तल। गीताश मित्तल। मित्तल साहब आप तो यहीं लोकल लग रहे हैं। मित्तल मित्तल साहब ये बताएं कि कल जो नीदरलैंड और इंडिया का मैच हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? जीतना तो इंडिया नहीं था। कि ऐसा तो हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि नीदरलैंड भी जीत जाए क्योंकि वो भी तो प्लेयर ही है। नहीं एक्चुअली बात ये थी कि मतलब इंडिया थोड़ा खत्म ही हो गया। इंडिया थोड़ा ना तगड़ा चल रहा है इस टाइम। अच्छा मतलब काफी खेल में बढ़िया चल रहा है वो। अच्छा। जितने भी मैच हुए इंडिया ने सारे जीते हैं मतलब इंडिया। अच्छा ये बताइए कि इसका वजह क्या है जो इंडिया सबसे इस समय हाई में चल रही है? इसकी वजह यही है कि मतलब उनकी जड़ी बैटिंग टेक्नोलॉजी है वो काफी मतलब बढ़िया चल रही है इसमें सब में। अच्छा सर आपका गुड नेम? मोहम्मद हारिस। हारिस साहब ये बताएं कि जो कल इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा खेल हुआ था, टीम इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जो उनके पहले के बैट्समैन थे। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए। अच्छा। और ज़्यादा रन रेट अच्छा दिया उनको। अच्छा। और दूसरी टीम ने भी अच्छा खेला लेकिन बस ये है कि वो टीम अच्छा खेले इसलिए वो जीत गई। अच्छा ये बताएं कि इस समय इंडिया टीम को नंबर वन की टीम मानी जाती है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? पहले तो ऐसा था। हाँ अभी देखिए जो है ये बैटिंग लाइनअप अच्छा हो गया है, बॉलिंग भी अच्छी हो गई है। हाँ। जैसे कि हमारी टीम में अभी सिराज, शमी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। शमी साहब काफ़ी अच्छा जी, जी जी बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन है, तो इस वजह से अभी टीम हमारी टॉप पे जा रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि ऑन द फ्यूचर भी हमारे अगर इतने ही हार्ड वर्किंग किए हमारे प्लेयर तो आपको लग रहा है कि हम विश्व में ऐसे ही चमकते रहेंगे? जी जी बिल्कुल, अभी जिस तरह की टीम हमारी खेल रही है और इतना अच्छा सब प्लेयर खेल रहे हैं तो जैसे अभी हम लोग नंबर वन पे हैं वैसे हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नेम? जी मोहम्मद कलीम। सर ये बताएं कि जो कल इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ है इस पर आपकी क्या राय है? इंडिया बहुत अच्छा मैच खेली है। तेज बोली थी कल के जितने भी मेरे शुरुआत के तीन बल्लेबाज थे इंडिया टीम के। अच्छा। तीनों ने 50 मारा। अच्छा। उसके बाद दो ने शतक मारे। अच्छा। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी पांच। अच्छा। लोगों ने। आपने पूरा मैच देखा था? जी पूरा मैच मैंने देखा था। अच्छा अच्छा। हाँ और बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई। हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ। जी हाँ। और जैसे कोहली ने 51 किया, के एल राहुल ने 102 किया, तो बल्लेबाजी हमारी बहुत अच्छी है इसकी। तो मैं अच्छा मेरा मतलब ये है कि बीच का भी मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा अच्छा। और हमारे जो कैप्टन है वो कैप्टन ही लीडर है रोहित शर्मा। जी जी इस टाइम जो इतना अच्छा कर रहे हैं वो, और उनके लीडरशिप में हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा खेलती है। अच्छा ये बताएं कि विराट कोहली जी शतक नहीं बना पाए जी, इस पर आपकी क्या राय है? अरे विराट कोहली जी शतक नहीं बना पाए वो अलग बात है, उन्होंने कोशिश की और अच्छा। हर मैच में सबका लक नहीं चलता है। जी 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 ये, और कल उनके साथ लक नहीं था। अच्छा वरना हो सकते थे। आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं टीम इंडिया से? टीम इंडिया बहुत अच्छा करेगी आगे, आने वाले समय में भी बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी आ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। हाँ हार्ड वर्किंग चल रहा है, मतलब ये आईपीएल से भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हमारे यहाँ आ गए हैं। आपको लग रहा है कि हम इंडियन हर क्षेत्र में दुनिया में आगे चल रहे हैं, ग्रोथ? आपको लग रहा है कि अब क्रिकेट नहीं और भी बिजनेस है जो भी जितने फील्ड हैं, आपको लग रहा है कि हर फील्ड में हम आगे रहेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम हर फील्ड में आगे रहेंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। टीशू जी ये बताएं जो नीदरलैंड और इंडिया का कल मैच हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? इंडिया ने बहुत अच्छी तरह खेला और इंडिया जीत गई, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि इंडिया लगातार 9 मैच जीत चुकी है, तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाला जो मैच है इसमें भी इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा जी, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रही है।
बाकी देखो समय का बात है। अच्छा सबसे अच्छा कौन सा प्लेयर आपको लगता है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा? विराट कोहली। विराट कोहली, विराट कोहली में आप क्या देखते हैं? अच्छा बैटिंग। बैटिंग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपका गुड नेम? संदीप। संदीप साहब ये बताएं, कल इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ है, तो उस पर आपकी क्या राय है? कल जो इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ, जो इंडिया के प्लेयर थे बहुत अच्छा खेलते, मतलब मैंने तो देखा नहीं मैच, लेकिन देखने को जो मिला राहुल ने बहुत अच्छा खेला। अच्छा ये बताएं कि पूरे वर्ल्ड में इस बात की ज़्यादा चर्चा चल रही है कि इंडिया की टीम को हराना बड़ा मुश्किल है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो हमारे कोच हैं उनकी मेहनत है या हमारे खिलाड़ियों की मेहनत है? ऐसा आपको इसमें क्या आप हो? खिलाड़ियों की मेहनत। खिलाड़ियों की मेहनत है। तो आगे आप क्या सोचते हैं कि आगे जो अगला मैच आने वाला हो काफ़ी टफ है, क्योंकि फाइनल में जाएंगे, तो उसमें अब कैसा आपको लग रहा है, क्या होना चाहिए? जो 90 में हुआ था अभी मतलब वही है कि देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात ना, इंडिया पाकिस्तान वापस चले उस चीज़ का दुख है, पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहिए था, पाकिस्तान से एक बार होना चाहिए था मैच हमारा। न्यूजीलैंड क्यों आपको लग रहा है कि पाकिस्तान से दोबारा होना चाहिए मैच? हाँ दोबारा होना चाहिए था सेमीफाइनल। क्या आपको उसमें ऐसा क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया में? बाबर जो मतलब तो प्यार नहीं होना चाहिए भैया मैच पाकिस्तान इंडिया का। क्यों नहीं होना चाहिए? विरोधी देश है हमारा। विरोधी, लेकिन आप तो जीतते देखेंगे ना? किसको जीतते देखेंगे? इंडिया को जीतते तो देखेंगे ना, लेकिन मैच होगा तो तभी तो हार जीत कुछ होगी। मैच हो तो हारेगी आपकी हार जीत होगी। अगर मैच होगा तभी तो खेलेंगे दोनों प्लेयर, मैच का होगा नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो कल मैच हुआ उस पर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, इंडिया 9-9 मैच जीती है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपका गुड नेम? मोहम्मद अहमद रजा। प्रजाक साहब ये बताएं कि कल इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ है, मोहम्मद शमी का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, हमारे जो भी खिलाड़ी हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जी इंडिया अच्छा कर रही है, 9 में से 9 मैच जीत चुका है, तो ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। और नीदरलैंड के साथ ये मैच इंडिया जीत गई है, और 15 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि बेहतर करें और भी इंडिया जिस तरह करते आ रही है। अच्छा ये बताएं कि न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है, तो क्या आपको लग रहा है कि आगे न्यूजीलैंड से इंडिया जीत जाएगी? जी ये तो है, क्योंकि इंडिया को ज़्यादातर मुश्किलों का सामना न्यूजीलैंड के साथ करना पड़ा है, और न्यूजीलैंड के साथ 2001 के बाद कुछ दिन पहले ही इंडिया जीती है, न्यूजीलैंड को हराने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे इंडिया। अच्छा ये बताएं कि आप इंडियन जितने प्लेयर हैं सबसे ज़्यादा किसको लाइक करते हैं? वैसे मैं तो लाइक करता हूँ सबसे ज़्यादा रविंद्र जडेजा को। अच्छा। और उसके बाद सुरेश अय्यर। ये बताएं इसमें क्या खूबी आप देखे हैं जो आप इन प्लेयरों को इतना लाइक करते हैं? जी इनमें क्या खूबी देखे, क्या चीज़ अच्छा लगता है आपको? भैया मैच के बारे सब कुछ अच्छी लगती है उनके, ठीक है बढ़िया है, और क्या करें, इंडिया टीम बहुत मजबूत टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, बॉलिंग अच्छी है हमारी और बैटिंग भी हमारी अच्छी है, सबसे बेहतर है, तब तो 9 मैचों में 9 मैच जीत चुके हैं। अच्छा ये बताइए पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है, उस पर आप क्या कहेंगे? तब होते हैं मैच की मैच है, होते रहते हैं, किसी का परफॉर्मेंस आता है जाता है, फॉर्म की बात है, फॉर्म नहीं थी, नहीं जीत पाई, फिर आने लोगों की इच्छा करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि भाई वो भी तो खिलाड़ी है ना? जी जी भाई देखो कोई भी हार जीत तो किसी की हो सकती है, चाहे किसी देश का हो, तो क्या आपको लग रहा है कि ऑन द फ्यूचर जो है वो लोग अच्छा स्ट्रॉन्ग खेल सकते हैं? जी जी बिल्कुल, और मेरा मानना है कि वो जो पाकिस्तान जो इस मरतबा थोड़ा फ्लॉप गया, तो इसलिए गया क्योंकि उनके खिलाड़ी बैटिंग बॉलिंग दोनों से निराशा किया है, तो इसलिए इस मरतबा कुछ जल्दी ही बाहर हो गया। अच्छा आपको नहीं लगता कि खेल के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए? खेल तो खेल है जो, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, चाहे अगर किसी कंट्री का हो, आपको लगता है इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए जो दुश्मनी टाइप का खेल होती है? जी जी बिल्कुल, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, जेंटलमैन का खेल है, और जेंटलमैन का खेल, खेल को खेल की तरह रहना चाहिए, और देश विदेशों में ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड जो भी है, सबको खेल की तरह लेना चाहिए, कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, थैंक यू। आपका गुड नेम? जी इकरार आबिद। इकरार आबिद, इकरार जी ये बताएं कि जो कल इंडिया और नीदरलैंड का जो मैच हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा रहा है, बहुत खुश हूँ, मनोबल बढ़ता है हमारा इंडिया का फॉर्म देख करके, हमारा इंडिया का फॉर्म जितना क्लियर है सारा बहुत अच्छा कर रहा है, और हम लोगों को देख करके ये मज़ा आता है कि हमारा टीम इतना फॉर्म में है। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आगे दो मैच जो बता हुआ है सेमीफाइनल और फाइनल दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करें और दोनों जीते, बस यही तमन्ना है और कुछ नहीं। अच्छा ये बताएं कि अगर भारत विश्व कप लाता है जीत के तो आप क्या करेंगे? जी बहुत खुशी मनाएंगे, दुआ करते हैं, जो तमन्ना है वो इरादा पूरा होंगे। अच्छा। और पूरा के साथ जो तमन्ना किए हैं कि अगर भारत जीत के आएगा, जितने फैमिली है, दोस्त है, यार दोस्त है,
और रिश्तेदार है, सबके साथ एंजॉय करेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे और घूमेंगे, इंशाल्लाह छुट्टी करेंगे। ये आपको लग रहा है कि भारत जीत जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह, बहुत दुआ करते हैं और हमारा टीम फॉर्म में भी है और कोशिश यही है कि जीतेगा ही जीतेगा। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम गगी। गगी? गगी, हाँ जी। सर ये बताएं कि जो कल इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ है, हाँ जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा था मैच, अपनी इंडिया बहुत अच्छा खेली, बहुत अच्छा लगा हमको देख के मैच। अच्छा ये बताएं कि ऑन द फ्यूचर अभी वर्ल्ड कप का मैच और होने वाले हैं, उस पर आपको क्या लग रहा है कि इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? बढ़िया, बेटर खेलेगी इंडिया, इंडिया बढ़िया खेली, अभी लागत अभी वर्ल्ड कप ले जाएगी, लेंगे पक्के चांस है वर्ल्ड कप लेके जाएगी इंडिया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गुड नेम? शादाब अली। शादाब भाई ये बताएं कि जो नीदरलैंड और इंडिया का कल मैच हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि हमारी टीम इंडिया बहुत अच्छे से खेल रही है और आगे भी ऐसे ही खेले, बस सेमीफाइनल और फाइनल। किन किन प्लेयर का मैच आपको ज़्यादा खेल अच्छी लगी? रोहित शर्मा, विराट कोहली और सब अय्यर, केएल राहुल। अच्छा नीदरलैंड वाले भी वो भी तो प्लेयर हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं मुझे उनके नाम नहीं पता, थोड़े अजीब। नहीं वहाँ के जो कप्तान है वो तो कहे हैं कि भाई हम इंडिया के साथ खेल के हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं और मतलब उनको अपने हार का इतना कोई ज़्यादा माइनस में नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने नीदरलैंड वालों ने ये बढ़िया किया कि इंडिया के सामने इतने टारगेट किसी ने नहीं दिया अभी तक कि दो तीन मैच पिछले मैच इसमें। अच्छा आपको लग रहा है कि आने वाला जो भी मैच है उसमें इंडिया जीत जाएगी? जी हाँ बिल्कुल जीतेगी इंडिया, अपनी टीम है। क्या करोगे अगर इंडिया जो वर्ल्ड कप लाती तो आप क्या करेंगे? कुछ भी मतलब कुछ सेलिब्रेट पार्टी रखूंगा। पार्टी रखोगे, खुशियाँ मनाओगे? ये बहुत खुशी मनाएंगे सभी दोस्तों के साथ है। अच्छा मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त भगवान प्रार्थना करोगे परमात्मा से? जी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप प्रार्थना करोगे हमारी टीम जीते? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर आपका गुड नेम? एम डी अफसार। एम डी साहब ये बताएं कि जो कल इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है इस टाइम। अच्छा और अच्छा खेला था। आपको क्या खास क्या लगा इसमें? खास सर बहुत अच्छा कर रहा है बस इंडिया में। कौन से खिलाड़ी का सबसे अच्छी बैटिंग या बॉलिंग लगी आपको? सर बॉलिंग में तो वो आप सिराज और मोहम्मद शमी तो है ही, बाकी बैटिंग में तो कोई मतलब शक नहीं है, मैं सभी अच्छे चल रहे हैं। और कोई कुछ और हमारे पब्लिक को हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे मैच के बारे में? बस सर सब कुछ देखें एंजॉय करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका गुड नेम? सिंह साहब। अमृतपाल सिंह। अमृतपाल साहब ये बताएं जो कल इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? मैच ईजी था इंडिया के लिए और इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग की तो अच्छा स्कोर भी बनाया। अच्छा ये बताइए कि इंडिया के लिए मैच ईजी कैसे था, नीदरलैंड की भी टीम तो अच्छी है? इंडिया बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही थी, बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग सब में अच्छा कर रही थी। अच्छा इसका पूरा हमें विश्वास था कि जीत ही जाएगी, इजी मैच होगा जी इंडिया के लिए। आपका इसमें क्या लगता है कि क्यों इंडिया इतना फॉर्म में आ गई है, पहली बार ऐसा हुआ है? एक तो इंडिया में हो रहे हैं मैच। अच्छा। कुछ टीम काफ़ी बिल्डअप हुई है काफ़ी साल से, ये पिछले 4-5 साल से IPL की वजह से लगा लो। अच्छा। तो काफ़ी प्लेयर अच्छे हैं हमारे पास। अच्छा, तो हमारे पास बैकअप भी अच्छा है तो इसलिए इंडिया काफ़ी स्ट्रांग टीम है इस बार। आपको लग रहा है कि वर्ल्ड कप हमारे पास आएगा? बिल्कुल आएगा, श्योर है। आपका गुड नेम? डियर अमित। अमित जी ये बताएं कि जो कल नीदरलैंड और इंडिया का मैच हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? उसके साथ कुछ अच्छा ही हुआ। तो दोस्तों देखिए मैं पवेलियन मॉल के सामने लुधियाना फाउंटेन चौक के पास में आज आया हूँ और यहाँ पर काफ़ी पब्लिक आती है, हर तरह के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, हर स्टेट के लोग तकरीबन आते ही हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे मैंने राय जानना चाहा कि जो कल मैच हुआ है उस पर हमारे पब्लिक की क्या राय है, तो हमारी पब्लिक इतनी खुश है कि सब लोग परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे का जो मैच है वो हमारा अपना भारत ही जीते और हमारे खिलाड़ी स्वस्थ रहें और ऐसे अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करते रहें। तो दोस्तों आज का एपिसोड मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूं। अगर ये हमारा न्यूज़ पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।